ਪੈ ਘੜੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਡਾਈਆਂ ਲਾਈ ਜਾਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਕਾ ਟਾਈਮ ਥਾ ਤੋ ਸੋਚਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਗਾਂਵ ਆਏ ਹੋਏ ਆਪਕੋ ਗਾਂਵ ਕਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂ ਔਰ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਕਿਆ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਇੱਧਰ, ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਗਾਂਵ ਕਾ ਕੈਸਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ इधर शाम बहुत छेती पै जाती है उन्हें कहना सही पेंडा बोलन दे बड़ा सोना मुसलमान है जेहरा तो अकई ना छेरी मेरी हो अकई पई रहने मैं ले जे नहा के इतनी नहीं बोलना क्यों गूंगा है ना ये साथ साथ भी जमीन है वो वहां पे उन्होंने चावल लगाने ਹੁਣ ਮਾਲ ਬਾਬਾ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਭਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਭੀ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਏਂਗੇ ਮਿਰਚ ਵਗੈਰਾ ਕੇ ਪੌਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਰਚ ਕੇ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਲਾਗੇ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਆਹੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਤਣੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਭਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂ ਇਹ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਮਿਰਚ ਮਿਰਚ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਛੋਟੀ ਸੀ ਆ अभी जमीन देखे कितनी देर ये जमीन अभी इस पर ट्रैक्टर चला हुआ इस वजह से जमीन नरम है आपको ना करीब से दिखाएंगे ये देखो शायद आपको वीडियो में नजर आ रही हो ये सारी मिर्चें हैं मीन बहुत ज्यादा नरम अभी आपको ले जाएंगे मकई दिखाने के लिए सामने मकई लाई है बिल्कुल सामने मकई लग गई है बड़ी मकई आकल बीज ही उन्होंने शायद आप में से कई लोगों ने चीज़ें पहली दफ़ा देखनी हो और कई लोग ये चीज़ें देखते रहते हैं लेकिन विलेज लाइफ का एक अपना ही क्रश है वो देखें सनसेट ये देखें परिंदे ये देखें ये बड़ी खूबसूरत सी चिड़िया ग्रीन कलर की है ये सन उस वक्त सोलो होने भी बीज ही है मकई जी है फ्रेंड्स मकई अरे नहीं तैयार हो अभी तैयार हो रही है कितनी है देख ये सुट्टे
शायद आपको नजर आ रहे हो, ये देखा, ये सारी मकई है, इस तरफ भी, इस तरफ भी, ये सारी मकई है। यह ज्वार ही, और ये इसके बिल्कुल सामने ना इस तरफ ये ज्वार लगा हुआ है। शायद आप लोगों में से कहीं को ये भी इतना पता हो कि ज्वार होता गया, ये ना जानवरों का चारा है। थोड़ा सा अंदर जाए ना, ये देख, ये उम्र जो ना पत्ते खट्टे हो रहे हैं, फिर छल्ली तैयार होनी है। ये अभी ना ये बन रहे हैं, इनका ये जो सिट्टा है ना मकई का, जब इसका कलर येलो हो जाएगा ना तब ये तैयार होंगे, अभी नहीं ये तैयार हुए, अभी ये बिल्कुल वाइट है। और इस तरह मकई लगी है, इस तरह ज्वार लगी है, इसके दरम्यान में हम चल रहे हैं। इधर इतनी शांति है कि मैं को बता नहीं सकता कि इधर जो ज़मीन के अंदर जो हल्के फुल्के कीड़े हैं ना, उनकी भी आवाज़ सुनाई दे रही है, और आवाज़ चलती ही कहीं पता चल रहा है। सुनने की कोशिश करने तो शायद आपको भी पता चले कि यहाँ पे कीड़ों की आवाज़ आ रही है। और यहाँ से कुछ कटाई होगी ताकि ये ना जानवरों वगैरह को भी खिलाते हैं। ये जामुन का दरख्त है, रस्सी लटकाई हुई है ताकि किसी ने खाने ये जितने दरख्त ये जामुन क्या ये जामुन खत्म हो जाते फिर जामनियाँ लग गई जम्मू खत्म हो।